Good evening, everyone. My name is Viraj. I am studying in 9th standard. Today, I like to speak something about social media. I would like to call our 9th class on the stage to showcase a skit on social media. आ गए तुम लोग, मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है, बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब। गूगल, गूगल नाम है मेरा, मैं वो भी जान जो तुम्हारा। बादशाह हूँ मैं, बादशाह। चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ, मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे सर पर नाचेगी। तो चलो देखो। मामा मामा, मेरे कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मामा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मामा मामा, समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा का मैथ का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पढ़ा दो प्लीज। बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे पापा का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मम्मा मम्मा, मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। आ जा गुफा में।
जान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो। मेरा नया शिकार। क्या हो गया है? एक और शिकार। तुम्हारे 5,000 एफबी फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपने पन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने डियर फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपने तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। प्रोजेक्ट बनाने में